नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या तिवारी। आज शनि अमावस्या है, इसीलिए आज कार्यक्रम में हम जानेंगे प्रतिकूल शनि को अनुकूल करने के अचूक उपाय, साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। शनि अमावस्या पर कैसे बनाएं प्रतिकूल शनि को अनुकूल, कैसे करें शनि देव को प्रसन्न, जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शनि को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय जय श्री शनिदेव। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 22 से 29 नवंबर के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं, आइए जानते हैं। 27 नवंबर गुरुवार के दिन विवाह पंचमी है। विवाह पंचमी की तिथि हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत विशेष स्थान रखती है। यह वही तिथि है जिस तिथि पर भगवान श्री राम व माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। तो इस आगामी सप्ताह में ये एक तिथि बहुत ही विशेष तिथि है और आशा करता हूँ कि इस तिथि का लाभ आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी सफल बनाने के लिए अवश्य लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का आप अनुभव करने वाले हैं। थकान और आलस के कारण स्फूर्ति का थोड़ा सा अभाव रहेगा। मन में गहरी चिंताएं आपको अपने जीवन को, अपने भविष्य को लेकर के सताया करेंगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ विघ्न, कुछ अवरोध आपको बार बार सामने आते रहेंगे। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, वाद विवाद में आप ना पड़ें। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों के कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं, उनसे कुछ अच्छा बड़ा सहयोग मिल जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। संतान के संबंध में भी चिंता मन पर हावी रहने वाली है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करना, अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा लाभ दे सकती है, सुख और सफलता देगी। साथ ही साथ आपकी कोई सहायता अगर आपसे मांगने आए तो आप उसे इनकार मत करिए, यथासंभव यथा सामर्थ्य आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह अचल संपत्ति, विद्या प्राप्ति, नया ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, भवन भूमि वाहन आदि का सुख, घर में नए आवश्यकता अनुसार फर्नीचर व अन्य विद्युत उपकरण को खरीदने वगैरह के कार्य के लिए सप्ताह का प्रारंभिक जो दौर होगा, शुरू के 2-3 दिन जो होंगे वो आपके लिए अनुकूल होंगे। श्रृंगार प्रसाधन, नए परिधान, आभूषण की खरीदारी के लिए कुछ खर्च आप कर सकते हैं। संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको चिंतित कर सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको लेखन और काव्य सृजन जो आपकी अपनी प्रवृत्ति है वह अच्छी लगेगी, उसमें आपकी और रुचि बढ़ेगी। इस आगामी सप्ताह में सरस्वती चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, इस बात का आप ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप भाग्य का लाभ नहीं ले सकते। बिना कर्म किए कुछ भी पा लेना संभव नहीं है और प्रबल भाग्य के बगैर सफलता के शिखर पर पहुंच पाना भी असंभव है। स्वयं को सुरक्षित महसूस करने से कुछ मानसिक कष्टों में कमी आएगी। घर व संपत्ति आदि के विवादित मामले जो हैं आपके सामने चुनौती बन करके आएंगे, किंतु शीघ्र ही उनका निपटारा हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आएगी। महिलाएं धन के मामले में सावधानी बरतें। अधिवक्ता वर्ग से जुड़े हुए, इस पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपको इस सप्ताह का लाभ लेने के लिए ऋणमोचक गणेश स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, क्रोध करने से बचना है।
अब देख लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशि फल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह नए व्यापारिक अनुबंध, सामाजिक संबंध, प्रणय और रोमांच के लिए अनुकूल रहने वाला है। शेयर सट्टे में लाभ होगा, परंतु जोखिम पूर्ण साहस करने से आपको बचना चाहिए, यानी रिस्क लेने से, खासतौर पर अपने पैसों पर रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्र में आप दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। प्रतियोगियों और शत्रुओं की चाल जो है वह निष्फल रहने वाली है। आप निश्चिंतता और सुख शांति के साथ घर में समय व्यतीत कर सकेंगे। इस आगामी सप्ताह का लाभ लेने के लिए श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए और किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में ना पड़े, ऐसा आपको अपना व्यवहार रखना है। चलिए अब बारी है सिंह राशि की, जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला सप्ताह। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपने दफ्तर में अपनी वाणी और व्यवहार को नियंत्रित रखें तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। सावधानी और विनम्रता आपको बरतनी चाहिए। कोई आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकता है, इस बात से आपको थोड़ा सावधान रहना है। दफ्तर में खासतौर पर किसी सहयोगी पार्टनर से या उसके बारे में कोई बात कहने से पहले आपको बहुत सोच समझ करके अपने विचार रखने चाहिए। भले ही आपकी बात उस व्यक्ति के बारे में सही हो, आपके विचार ठीक हो, लेकिन उसे कह देने में, किसी भी व्यक्ति के सामने कह देने में रिस्क हो सकता है, जोखिम हो सकता है, आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं। इस सप्ताह पैसों से जुड़े किसी मामले में पार्टनर के साथ कुछ टकराव, वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो भी मामला है वह बहुत शांति से, निर्विवादित रूप से सुलझ जाए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री सिद्धि विनायक नामावली का आपको पाठ करना चाहिए। बहुत अधिक धन खर्च करना या धन का दिखावा करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं सप्ताह को शुभ बनाने के लिए कन्या राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके अनुबंध में परिवर्तन के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऑफिस में स्थितियां आपके अनुकूल होंगे, जिससे महत्वपूर्ण पद के लिए आपकी दावेदारी पहले से और कहीं मजबूत हो सकती है। आप पुराने वाद विवाद, गलतफहमी से या समस्याओं आदि को सुलझाने में लगे रहेंगे। कार्य व व्यवसाय में आप ईर्ष्या के शिकार हो सकते हैं, लोग आपसे नफरत कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने से, आपका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसका प्रदर्शन करने से इस समय थोड़ा सा बचना चाहिए, लो प्रोफाइल रहना चाहिए। समाज में आपके जो अपने लोग हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, तो आपको ये जानकारी नहीं है कौन है ऐसा आपके खिलाफ जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहा है, तो आपको सावधानी रखनी है। हर व्यक्ति से सावधानी रखिए। महिलाएं निर्णय लेने में परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ फलकारी सिद्ध होगा। आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अविवेकपूर्ण निर्णय करने से भी आपको बचना है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप परिवार की आवश्यकता अनुसार कोई उपयोग की वस्तु खरीदने का विचार बना सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परिवार की खुशी के लिए योग, प्राणायाम व संतुलित दिनचर्या, खानपान स्वास्थ्य को निखारने में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। विशेष मेहमानों के साथ आवश्यक चर्चा, जो काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, वह हो सकती है। रुके हुए कार्यों, परियोजनाओं को पुनः प्रगति देने हेतु मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के संदर्भों में शिथिलता समाप्त होगी। कोई पूंजी निवेश हेतु आपको अच्छा लुभावना प्रस्ताव दे सकता है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सूर्य उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करें और व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, तो आप सप्ताह को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशि फल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह जमीन जायदाद के काम से जुड़े लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता, यानी भवन भूमि की क्षति संभावित है। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आमदनी के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करने होंगे। नौकरी पेशा लोगों को उनकी परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। सप्ताह के आरंभ की कुछ समयावधि चिंता का कारण आपके लिए बनेगी। इस आगामी सप्ताह को शुभ और सुरक्षित बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना में बजरंग बाण का पाठ आपको नियमित करना बहुत अच्छा लाभ देगा। अत्यधिक कार्य का दबाव लेने से बचना चाहिए। चलिए अब बारी है धनु राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं धनु राशि वालों के लिए उनके आने वाले सितारे। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए समय के साथ साथ आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन नजर आएगा। काफी समय से जिन सूचनाओं का आपको इंतजार था, वे शुभ समाचार शीघ्र ही आपको प्राप्त होने वाले हैं।
नए लोगों को रोजी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी जिससे आपके विकास के द्वार आपके लिए और प्रशस्त होंगे। बैंकों में आपके कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। महिलाएं अनुशासन व समय का विशेष ध्यान रखें। साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय ठीक कहा जा सकता है। आगामी सप्ताह का लाभ लेने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो जो भी बाधाएं हैं दैनिक दिनचर्या की वो बहुत आसानी से नियंत्रित हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। लेकिन इस हफ्ते में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज जरा भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह आपको चिंतन, लेखन और सृजन कार्यों में सफलता मिलेगी। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए और कहीं ना कहीं आकस्मिक खर्च आपके ऊपर आ जाए ऐसी संभावना है। घर में लेकिन सुख शांति बनी रहने वाली है। आपको कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय पुराने समय की तरह बना रहने वाला है। कलाकार या किसी भी कौशल से जुड़े जातकों को अपनी कला और कौशल के प्रदर्शन का एक उत्तम अवसर, जैसा आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे वैसे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको धनदा स्रोत का पाठ करना चाहिए और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। चलिए आप देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपका खर्च बहुत ज्यादा होगा। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। दफ्तर में आपको सौंपे गए काम की समय सीमा या तो समाप्त हो रही है या बहुत ही नजदीक आ गई है और आपने बहुत लापरवाही बरती हुई है, तो अपने काम को तय समय के अंदर पूरा करिए। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने, मनोरंजन और स्वादिष्ट भोजन के अवसर आपको मिल सकते हैं। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, उसके कारण परिस्थितियां जो हैं आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकती हैं। जैसे आप एक आसान परिस्थिति चाहते थे, आरामदायक कंफर्ट काम चाहते थे, वैसा नहीं हो पाएगा, काम थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। आप कोशिशें अपनी जारी रखिए, बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिलेगा। आपको किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करनी है और आपको अपनी हार भी नहीं माननी है। चीजें जिस अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ रही हैं उनको उसी हिसाब से आगे चलने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस आगामी सप्ताह का लाभ लेने के लिए पूरे हफ्ते में गणेश सहस्रनाम स्त्रोत का पाठ आपको करते रहना चाहिए, आपके पक्ष में होगा। तनाव लेने से बचना है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, बात करेंगे मीन राशि की, देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह टीम भावना से काम करने के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। बिजनेस में विशेषकर बिक्री में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पैसों के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत करने का अवसर आपको मिलेगा। इस सप्ताह आप शुभ ऊर्जा से प्रेरित होंगे, थोड़े जोश में हो सकते हैं। अपने दायित्वों के प्रति आपको सजग बने रहने की आवश्यकता है। मौज मस्ती में, मित्रों के साथ हंसी मजाक में अच्छा समय व्यतीत होगा। काम व आराम का अंतर अपेक्षित रहेगा। किस्मत आपका साथ देने वाली है। इस आगामी सप्ताह का लाभ लेने के लिए श्री दुर्गा जी की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। देवी दुर्गा की आराधना करें और किसी भी प्रकार की चिंता अपने ऊपर मत लीजिए। तो ये तो था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे प्रतिकूल शनि को अनुकूल करने के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। के बारे में फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की तिथि भी विशेष है। आज शनि अमावस्या और शनि अमावस्या का जो दिन होता है, जो तिथि होती है, ये साल में 2-3 बार ही आती है और इस तिथि पर यदि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो प्रतिकूल शनि है यानी जो निगेटिव सैटर्न जिन लोगों की कुंडली में है, अगर आज की तिथि में कुछ उपाय करें तो ये निगेटिव सैटर्न जो है वो बहुत अच्छी कृपा देते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो प्रतिकूल शनि को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बहुत सरल से उपाय बताता हूँ। यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिदेव से संबंधित विशेष तिथि में आप कुछ छोटे छोटे उपाय करें तो आपको लाभ मिलेगा। इन्हीं तिथियों में शनि अमावस्या जो है ये बहुत विशेष स्थान रखती है। इन प्रयोगों से शनिदेव निश्चित ही आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। इन उपायों को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सभी राशि के जातक
अपने लाभ के अनुसार जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आवश्यकता हो, जो भी उपाय मैं आपको बताता हूं, इन उपायों में से जो आपको ठीक लगे आप अपने लिए उन उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय कि शनिदेव को वृद्धावस्था का स्वामी कहा गया है। जिस घर में माता पिता और वृद्धजनों का सम्मान होता है, उनकी सेवा शुश्रूषा होती है, उस घर में शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, उन लोगों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तथा जिस घर में वृद्ध का अपमान होता है, उस घर से खुशहाली दूर हो जाती है, दूर भागती है और शनिदेव उन पर नाराज हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, उसे भूख कम लगने लगती है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं, नींदें कम आती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, वह काम वासना से विमुख होकर के लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण हो जाता है। और ये जो सारे गुण हैं, नींद कम आना, भूख कम लगना, काम वासना से विरत होना, ये सभी गुण देवताओं के हैं, दैवीय गुण कहे गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है दैवत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात देवतुल्य हो जाता है। इसलिए शनि कृपा प्राप्त करने के लिए वृद्धजनों की सेवा जो है वह सर्वोपरि हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। तो वृद्धों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप वृद्धाश्रम में भी सेवा जाकर के कर सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से अंशदान, धन और अन्न का दान कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि शनि को दरिद्र नारायण भी कहते हैं, इसलिए दरिद्रों की सेवा से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय यह है कि असहाय असमर्थ व्यक्ति को काला छाता, चमड़े के जूते, चप्पल इत्यादि पहनाने से भी उनको दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय है कि प्रति शनिवार शनिदेव के लिए विशेष पूजन अर्चन उस व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए जिनकी कुंडली में शनिदेव की अशुभ स्थिति है। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में खराब है, शनि की ढैया 7.5 चल रही है, तो शनिवार को शनिदेव का पूजन आप अवश्य करिए। पांचवा उपाय, शनिवार को तेल मालिश करके व्यक्ति को स्वयं स्नान करना चाहिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। छठा उपाय यह है कि लोहे की कोई वस्तु शनि मंदिर में दान करना चाहिए, वह वस्तु ऐसी हो जो मंदिर में किसी के काम आ सके। ध्यान ये रखना होता है कि शनिदेव के लिए अगर आप शनिवार को कोई उपाय कर रहे हैं तो लोहे की कोई वस्तु शनिवार को खरीद के दान नहीं करनी चाहिए, एक दिन पहले आप खरीद के रखिए और शनिवार को दान करिए। अगर आप शनिवार को खरीद के दान करते हैं तो शनि के लिए लोहा खरीदना उस दिन गलत माना गया है, शास्त्र विरुद्ध माना गया है, शनिदेव को और नाराज करता है। तो किसी भी स्थिति में, किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त आपको लोहा नहीं खरीदना है, तेल नहीं खरीदना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सातवां उपाय है कि शनि मंदिर में बैठ करके ओम शन शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आठवां उपाय है कि शनि से उत्पन्न भीषण समस्या के लिए भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को शनिदेव का कष्ट नहीं होता, हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव बुरे प्रभाव नहीं डालते। नौवां उपाय है कि शनि संबंधी कथा, शनि चालीसा, शनि बजरंग बाण या जो शनेश्वर के जो अष्टोत्तर शतनामावली है, वह हनुमान जी का हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बाहु इत्यादि का पाठ करने से शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दसवां उपाय यह है कि नीलम रत्न के साथ पन्ना धारण करने से भी आपको शनि के दोषों में शांति मिल सकती है। नीलम धारण करने से पूर्व अपने किसी जो भी आपके परिवार के ज्योतिष आचार्य हैं, ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, उनसे परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये कुंडली के अनुसार भी बहुत ज़्यादा निर्धारित होता है। ग्यारहवां उपाय यह है कि मछलियों को आटे की गोलियां बना करके अपने हाथों से खिलाने से भी शनिदेव के कष्टों से मुक्ति मिलती है। बारहवां उपाय है कि हर शनिवार और मंगलवार को काले कुत्ते को मीठा पराठा या इमरती खिलाना भी बहुत अच्छा उपाय होता है। तेरहवां उपाय है कि भैरव उपासना की उपासना भी अनिष्टों में सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो अगर आप शनि के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान भैरव की साधना, भैरवाष्टक का पाठ खासतौर पर शनिवार मंगलवार को करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। चौदहवां जो उपाय है वो ये कि हनुमान जी और शनि मंदिर में पीपल का पेड़ अगर हो तो वहां पर जाकर के शनिवार को संध्या के समय में दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव, हनुमान जी और भैरव जी के दर्शन करना शनिवार और मंगलवार को अत्यंत लाभकारी होता है। पंद्रहवां उपाय है कि शनिवार के दिन व्रत करके एक समय बिना नमक का भोजन करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है शनिदेव के कष्टों में। सत्रहवां उपाय यह है कि कम से कम 9 शनिवार गरीबों को भोजन कराएं। भोजन में शनिदेव के प्रिय भोज्य सामग्री जो है वह जरूर रखनी चाहिए, खासतौर पर सरसों के तेल में बनी हुई कुछ मीठी चीज़ें, कुछ नमकीन चीज़ें, चटपटी चीज़ें, अगर आप ऐसी चीज़ों का समायोजन करते हैं भोजन में तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
18वां उपाय है कि घर के नौकरों कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो है गरीबों का शोषित वर्ग के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। गरीबों को प्रसन्न करने से शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न रहते हैं आपसे। 19वां उपाय है कि शनिदेव को उड़द की दाल की बूंदी के लड्डू जो हैं वो बहुत प्रिय होते हैं, अतः शनिवार को लड्डू का भोग लगा करके उसका वितरण गरीबों में और बच्चों में करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 20वां उपाय है कि शुभ मुहूर्त देख करके अगर कोई सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कवच अगर आपको मिल जाता है, शनि कवच सिद्ध किया हुआ मिल जाता है, तो उसको धारण करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 7मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी अशुभ शनि के दोषों में शांति आती है। 22वां उपाय है कि प्रति शनिवार को काले तिल से बनी हुई सामग्री जो है आपको स्वयं खानी भी चाहिए और दान भी करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा उपाय है। 23वां उपाय यह है कि शनि संबंधी दान या उपहार आपको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ग्रहण ऐसी चीजें मत करिए। 24वां उपाय है प्रतिदिन या फिर अगर आपसे संभव हो जाता है तो आपको रोज करना है, नहीं तो आप शनिवार या शनिवार के दिन इष्ट देवता को काले या नीले रंग के पुष्प अपने घर में पूजा स्थान में अगर अर्पित करते हैं तो भी शनि दोषों में शांति होती है। 25वां उपाय है कि शनैश्चरी अमावस्या पर किसी भी तीर्थ में जाकर के स्नान कर लेना, आपके शहर में जो भी पवित्र कुंड सरोवर या नदी हो वहां जाकर के स्नान करना और शनिदेव के निमित्त दान पुण्य करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। 26वां उपाय है कि पुरुष जो है वो पर स्त्रियों से और स्त्रियां पर पुरुषों का साथ संगत तत्काल ही छोड़ दें, अन्यथा शनि और भी क्रूर हो सकते हैं और आपको उसके बहुत बुरे प्रतिफल आने वाले समय में भोगने पड़ सकते हैं। 27वां उपाय है कि किसी भी प्रकार के अधार्मिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन, किसी भी प्रकार का अगर आप व्यसन करते हैं, कोई नशे इत्यादि की आदत है, उनसे भी आपको मुक्ति पा लेनी चाहिए। 28वां उपाय है कि शनिवार के दिन सुबह और शाम के समय में स्नान करके यथासंभव काले वस्त्र धारण करके शनिदेव की प्रतिमा पर काले तिल या सरसों के तेल को चढ़ा करके कुमकुम अक्षत काले तिल के अलावा विशेष रूप से काली तुलसी अर्पित करें। शनिदेव पर काली तुलसी चढ़ाने को शनिदेव की दशा को अनुकूल बनाने के लिए बहुत असरदार उपाय माना गया है। शनि पूजा के बाद शनिदेव को सरसों के तेल से बने पकवानों का भोग लगा करके शनिदेव की आरती करनी चाहिए और अंत में अपने कष्टों से रक्षा और अपने सौभाग्य में वृद्धि और सुख में वृद्धि की कामना करें, शनिदेव आपका कल्याण निश्चित ही करेंगे। तो ये था हमारा आज का महा उपाय, इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।